Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. और उसके पास में ढाबे के पास एक नाला था, और ढाबे वाले ने नई टेक्नोलॉजी बनाई, उसने नाले के अंदर एक पाइप डाला, नाले में गैस थी, बदबू थी, और ढाबे वाले ने पाइप डाला और अपने ढाबे का जो चूल्हा होता है वो नाले की गैस से चलाया। मतलब ये नरेंद्र मोदी जी की देश के लिए रोजगार की स्ट्रेटजी है, नाले में से पाइप लगाओ, ढाबे में जो कुकर होता है उसमें लगाओ और ढाबे में पकोड़े बनाओ। ये है नरेंद्र मोदी जी की हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने वाली स्ट्रेटजी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की और अब कहते हैं पकोड़े बनाओ, हम आपको गैस नहीं देंगे, गैस भी आपको नाले में से निकालकर कुकर में डालनी पड़ेगी। किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया, उनको यह गुजरात में दिखाई दिया था। कहते हैं हमारी कॉन्वॉय चल रही थी और मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति ने ट्रक का जो ट्यूब होता है वो भरा हुआ था, हवा से भर के वो ले जा रहा था, तो मोदी जी ने अपनी कॉन्वॉय रोकी, किसान से कहता है, कहते हैं ये क्या है भाई, किसान कहता है मेरे घर में मैंने एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा है, उसमें मैं कचरा और गोबर भरता हूं, उसमें से मैं गैस निकालता हूं, गैस को मैं ट्यूब में डालता हूं और ट्यूब की गैस से मैं अपने खेत में पंप चलाता हूं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की किसानों के लिए स्ट्रेटजी। सरकार, हिंदुस्तान की सरकार आपका कर्जा माफ नहीं करेगी, बारिश ओला गिरेगा आपको कॉम्पनसेशन नहीं देगी, आपको अपने घर में खड्डा खोद कर उसमें गोबर भर के उससे गैस बना के अपना पंप चलाना है। ये है नरेंद्र मोदी जी की युवाओं की और किसानों की स्ट्रेटजी। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने आपको वायदा किया था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाऊंगा। 10 रुपए मिले आपको? कोई है यहां पे जिसको 10 रुपए मिले? एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, चुनाव में हमने आपको एक वायदा किया था, हमने आपसे कहा था कि जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हमारा पहला काम किसानों के कर्जा माफ करने का होगा, याद है आपको? जो हमने कहा था, जो हमने आपसे कहा था हमने आपको करके दिखा दिया। 31,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर्नाटकों के किसान का, जो हमने आपको वायदा किया था हमने उसको वायदे को पूरा करके दिखा दिया। अब आप दूसरी तरफ देखिए, कभी मोदी जी गैस की बात करेंगे, कभी स्वच्छ भारत की बात करेंगे, युवाओं को कहेंगे 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा,
चाइना से मुकाबला है। 24 घंटे में वो 50,000 युवाओं को रोजगार देते हैं, नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में 450 युवाओं को रोजगार देते हैं। किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े भाषण करेंगे, अगर उनके शब्दों में सच्चाई है तो मैं नरेंद्र मोदी जी को स्टेज से चैलेंज देता हूं। कर्नाटक की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, आपके लोगों ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो किसान का कर्जा माफ करेंगे कर्नाटक में। मैं नरेंद्र मोदी जी को स्टेज से चैलेंज देता हूं, कर्नाटक के कर्जा माफी का पैसा आधा 50% आप देखा के दे दो, देके दिखा दो। आप में दम है, 56 इंच की छाती है तो आप किसानों का कर्जा माफ आधा पैसा हिंदुस्तान की सरकार से करके दिखा दो, मगर नहीं, आप नहीं करोगे। 2.5 लाख करोड़ रुपया आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो, मगर कर्नाटक के किसान के लिए आप 1 रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते हो। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी की बात की, कहा हमने एमएसपी बढ़ा दी। यहां माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, पूरे देश में इन्होंने सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया एमएसपी बढ़ाई, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक के किसानों का कर्जा माफ किया है। मतलब जो उन्होंने पूरे देश के किसानों के लिए किया उससे 3 गुना ज्यादा कर्नाटक की सरकार ने करके दिखा दिया। और इधर उधर घूमते हैं, कहते हैं भैया मैं किसानों के लिए काम करता हूं, किसानों की रक्षा करता हूं। पूरे देश में आत्महत्या करते हैं किसान, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। प्रधानमंत्री मत बनाओ, देश का चौकीदार बनाओ। पार्लियामेंट हाउस में मैंने राफेल पर भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में पूरे देश को मैंने समझाया कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में भ्रष्टाचार किया है। थोड़ा सा मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपको भी मालूम होना चाहिए। बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, 70 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी हवाई जहाज बना रही है, एयरफोर्स के लिए हवाई जहाज बनाया, मिग हवाई जहाज बनाया, जैगवार हवाई जहाज बनाया, सुखोई हवाई जहाज बनाया, बीदर में जो एयरबेस में हवाई जहाज उड़ते हैं उसको भी एचएएल ने बनाया। यूपीए सरकार ने राफेल डील एचएएल पब्लिक सेक्टर कंपनी को दी, 126 हवाई जहाज खरीदने थे, हमने फ्रांस की कंपनी को बताया कि हवाई जहाज कर्नाटक में बनेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को दी जाएगी और लाखों युवाओं को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का रोजगार मिलेगा, लाखों युवा देश में इंजीनियरिंग करते हैं। हम चाहते थे कि वो भी राफेल हवाई जहाज को बनाए, वो भी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए काम करें। एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था,
नरेंद्र मोदी जी आते हैं, एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट से हटा देते हैं, स्वयं जाते हैं पेरिस फ्रांस जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान 126 हवाई जहाज नहीं खरीदेगा, सिर्फ 36 हवाई जहाज खरीदेगा और एक हवाई जहाज का दाम, अब सुनिए मजेदार बात सुनिए, जहां पहले एक हवाई जहाज का दाम 526 करोड़, नरेंद्र मोदी जी के चौकीदार वाले नए कॉन्ट्रैक्ट में एक हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपया। यूपीए ने 526 रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की, चौकीदार ने एक हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए का खरीदा, एचएएल को परे किया और अपने मित्र अनिल अंबानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। मजे की बात सुनिए, एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है। कर्नाटक के युवाओं, इस बात को आप अच्छी तरह सुनिए, एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है। अनिल अंबानी जी ने अपनी जिंदगी में कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, कभी हवाई जहाज नहीं बनाया। जिस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुई। और तीसरी बात, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, 36 हवाई जहाज फ्रांस में बनेंगे, मगर अनिल अंबानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये सब मैंने खुल के लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने बोला। मैंने प्रधानमंत्री को यह भी बोला कि आपकी रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान के युवाओं से झूठ बोला है, और मैं यहां स्टेज से फिर दोहराना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी ने इस देश के युवाओं को झूठ बोला है। झूठ क्या बोला? निर्मला सीतारमण ने बोला कि फ्रांस के साथ हिंदुस्तान का एक सीक्रेट पैक्ट है, सीक्रेट पैक्ट में लिखा है कि हवाई जहाज का दाम बताया नहीं जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए, मैं उनसे जाके मिला और मैंने उनसे पूछा, आमने सामने बैठकर पूछा, मैक्रॉन साहब आप मुझे एक बात बताइए, क्या फ्रांस के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में राफेल के दाम पर कोई सीक्रेट पैक्ट है? क्या हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार ने पैक्ट साइन किया है कि हिंदुस्तान की जनता को राफेल का दाम नहीं बताया जा सकता है? फ्रांस का राष्ट्रपति मुझे कहता है नहीं, राफेल हवाई जहाज का दाम सीक्रेट पैक्ट में नहीं आता है, अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहती है, अगर रक्षा मंत्री चाहती है, अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चाहता है, वो पूरे देश को राफेल हवाई जहाज का दाम बता सकता है। मेरे शब्द नहीं है, मिस्टर मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति के शब्द हैं। मीटिंग में मेरे साथ आनंद शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी बैठे थे, ये मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने उनके मुंह पे बोला, मैंने उनसे आंख में आंख मिलाई। देखिए, जो चोरी करता है आंख में आंख नहीं मिला सकता है। नरेंद्र मोदी जी
मैंने उनके आंख में आंख मिलाई, कभी उधर देखे, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे, कभी दाएं बाएं देखे, मगर मेरी आंख में आंख नहीं मिला पाए। क्योंकि चौकीदार भागीदार है हिंदुस्तान के युवाओं। नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा चोरी करके अनिल अंबानी को दिया है। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज अनिल अंबानी को मदद करने के लिए 1600 करोड़ रुपए में नरेंद्र मोदी जी ने खरीदवाया है। अगली बात, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री गोवा के परिकर जी ने स्वयं कहा कि जब राफेल डील बदली गई, प्रधानमंत्री जी ने मुझे नहीं बताया। प्रधानमंत्री के साथ बात सुनिए, हिंदुस्तान और कर्नाटक के हर युवा सुनिए, प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस में डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी थे। 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए, आपके हाथों से इंजीनियरिंग की नौकरी, आपके हाथों से रोजगार, आपसे छीनकर अनिल अंबानी को पैसा दिया। और जब मैंने पार्लियामेंट हाउस में उनके सामने बोला, मेरे भाषण के बाद राफेल के बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलते, आमतौर से बड़ा लंबा भाषण देते हैं, 60-70 पेज की किताब निकाली पढ़ के भाषण दे रहे थे। बिजली की बात की, पानी की बात की, आसमान की बात की, गोबर गैस की बात की, गुब्बारों की बात की, मगर राफेल हवाई जहाज और अनिल अंबानी को 1600 करोड़ रुपए देने वाली बात नहीं की। भाई और बहनों, चौकीदार भागीदार है। युवाओं, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार छीना, और मेरा भैया उनसे कहीं भी डिबेट करा दो, कहीं भी करा दो, राफेल मामले पे कहीं भी खड़ा कर दो, ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दो, उस साइड नरेंद्र मोदी जी को खड़ा करो, इस साइड मुझे खड़ा करो, और करा दो मेरी डिबेट नरेंद्र मोदी जी से राफेल मामले पे, करा दो, जितने घंटे करानी है करा दो। नरेंद्र मोदी एक सेकंड मेरा जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान से चोरी की है। बीजेपी के नेताओं, अपने प्रधानमंत्री को मेरे साथ खड़ा कर दो, और कहीं भी डिबेट कराना है राफेल मामले पे, अनिल अंबानी जी के बारे पे, 1600 करोड़ रुपए के हवाई जहाज पे, दम है 26-56 इंच की छाती है तो लाओ प्रधानमंत्री को मेरे सामने खड़ा कर दो, मेरे सामने, देश के सामने खड़ा करो, बात कराओ मेरे साथ। चुपते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, भागते क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं देते, आंख में आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? चौकीदार भागीदार बन गया है इसलिए। मगर आप देश के युवाओं से नहीं छुप सकते, आप पार्लियामेंट हाउस में जरूर जवाब नहीं दोगे, मगर देश के युवाओं के सामने से, किसानों के सामने से आप नहीं छुप सकते, यह सच्चाई है। आने वाले समय आपको दिख जाएगा, देश आपको बताएगा, सच्चाई सुनाएगा मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। यहां के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं, खड़गे जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं, 371J की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए लड़ी थी। याद रखिए, बीजेपी के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 371J कभी किया नहीं जा सकता है, और 371J से आपको जबरदस्त फायदा हुआ, रोजगार मिला, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, रिजर्वेशन मिला आपको। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, यह काम हमने क्यों किया, क्योंकि आपको जरूरत थी। हम आपका दर्द सुनते हैं, आपके दर्द को समझते हैं, और उसके बल पे हम काम करते हैं, आपकी बात सुनकर काम करते हैं।
यह आपका हक था और आपने हमने आपका हक पूरा किया, और जैसे हमने आपका हक पूरा किया वैसे ही हम आने वाले समय में हर बार आपका हक पूरा करेंगे। हमारी लड़ाई, हमारा काम गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों की मदद करने का है। एक तरफ मोदी जी 2.5 लाख करोड़ रुपया 15 उद्योगपतियों का माफ करते हैं, और दूसरी तरफ जनता को कहते हैं लाइन में खड़े हो जाओ, मैं नोटबंदी कर रहा हूं, 500 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। गब्बर सिंह टैक्स लाते हैं, आपके जेब में से पैसा निकालते हैं। जैसे ही देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको, कर्नाटक में सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी किसान का कर्जा माफ कर देगी, 31 हजार करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। और मैं यहां फिर से कह रहा हूं, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, देश के छोटे दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, किसान मजदूर अच्छी बात अच्छी तरह सुन लो, जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी वैसे ही गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदल देंगे। आपको हम एक टैक्स देंगे, ये जो 5 टैक्स के गब्बर सिंह टैक्स बना रखा है इसको हम बदलेंगे, आपको एक साधारण टैक्स देंगे, और आपके जेब में जो पैसा है वो आपके जेब में रहेगा। और जो आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है, आप एक और सवाल पूछिए प्रधानमंत्री जी से, यूपीए के समय पेट्रोल डीजल का दाम $140 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $70 प्रति बैरल है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को समझाना चाहिए कि जो पैसा बच रहा है, जो लाखों करोड़ रुपया पैसा बच रहा है, जो पहले पेट्रोल डीजल खरीदने में जाता था, वो नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को क्यों नहीं देते हैं, वो हिंदुस्तान की महिलाओं को, बहनों को क्यों नहीं देते हैं, वो ये पैसा अपने मित्र को क्यों देते हैं। नरेंद्र मोदी के विजन में पूरा का पूरा फायदा 15-20 लोगों को, कर्जा माफी होगी तो 15 लोगों की। देश के युवाओं को पकौड़ा बनाना है, अगर गैस चाहिए तो नाले में से पाइप निकाल के पकौड़े बनाओ। रोजगार नहीं देते, किसानों की मदद नहीं करते, छोटे दुकानदारों को खत्म करते हैं, छोटे बिजनेसमैन को, मिडिल साइज बिजनेसमैन से पैसा खींच के बड़ी से बड़ी कंपनियों को दे देते हैं, और फिर कहते हैं मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, ये 15 सबसे बड़े उद्योगपति के प्रधानमंत्री हैं। कर्नाटक में कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की सरकार चलेगी, किसानों की मदद होगी, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की मदद होगी, और कर्नाटक की जनता की जो शक्ति है उसका प्रयोग करके हम सरकार चलाएंगे। जो आप हमसे कहेंगे वो हम आपके लिए करके दिखाएंगे। आपने हमसे कहा था कर्जा माफ करो, हमने किया, जो आप हमें ऑर्डर देंगे वो हम करके आपको दिखाएंगे। आप सब यहां आए, दिल से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, राफेल में जो चोरी हुई है, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, 10 दिन की नई कंपनी, एचएएल से रोजगार छीनने वाला कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में आप कर्नाटक में जाकर हर व्यक्ति को बताइए, युवाओं को आप बताइए कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट में यूपीए ने कहा था कि हजारों युवाओं को
इंजीनियरिंग का रोजगार मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने छीन के अपने उद्योगपति मित्र को दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आप एक और बात बताइए, कर्नाटक की महिलाओं को बताइए, नरेंद्र मोदी जी एक नया नारा लाए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं बताया कि बेटी को किससे बचाना है। पता लगता है उत्तर प्रदेश में रेप होता है, बीजेपी का एमएलए रेप करता है, बिहार में छोटी सी बच्चियों का रेप होता है, बीजेपी के नेता आसपास घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से बलात्कार के बारे में, उत्तर प्रदेश के रेप जो हुए, बिहार की बच्चियों का जो रेप हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री बीजेपी के नेताओं को बचाने में लगे। आज हवाई जहाज में मेरे पास में एक व्यक्ति बैठे थे और उन्होंने हिंदुस्तान के हर एक पिता की बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने भाषण में बोलूं, और जो मेरे पास बैठे थे, सुनिए जो आपने मुझे कहा, मैं जनता को बता रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा कि प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। मेरी एक बेटी है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि आज के हिंदुस्तान में मेरी बेटी बाहर नहीं जा सकती है। जब भी मेरी बेटी बाहर जाती है, व्यक्ति ने कहा, मेरे अंदर घबराहट होती है, मेरी बीबी के अंदर घबराहट होती है।